अर्ज किया है कि एग्जाम में नहीं मिलेगा क्वेश्चन छोड़ने का मौका, क्योंकि हम आपको सिखाने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट टाइम इंटरवल तक का क्वेश्चन। तो जितने भी आपके व्यापम पीएससी एग्जाम जितने भी परीक्षाएं होगी यहां से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, तो वीडियो को एक काम करना, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाना, ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। यह वीडियो में आपको नहीं सिखा पाया तो वीडियो दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम इंटरवल का क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। मान लीजिएगा ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एक काम को 10 दिन में करता है तो इसको 1/10 भाग लिख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, यह कॉन्सेप्ट समझ लिया टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। मान लीजिएगा बी किसी काम को 15 दिन में करता है, मान लीजिएगा किसी काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, इसका कितना होगा 1/15 भाग। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। चलिए मान लीजिएगा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का आपको आसान से तीन तरीका बताने वाला हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप अपनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी इसको 15 दिन में कर रहा है, अब दोनों मिलकर उसे कितना दिन में करेगा। तो मान लीजिएगा दोनों मिलकर, अब पूछा क्या गया है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो इसको तीन तरीका से बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले पहला भाग ये वाला टॉपिक से हम बनाते हैं, एक कितने दिन में कर रहा है आपका, 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है आपका, 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/10 प्लस 1/15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 30, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे 30, 10 इसको भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, उसी प्रकार 15 से 2 बार इनका आ जाएगा, तो इतना कितना जाएगा 5/30, 5×6=30, तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। एक और तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, देखिए ए क्रॉस बी बराबर ए प्लस बी, इसके लिए फार्मूला होता है ए का मान आपका 10 है, बी का मान आपका 15 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 10×15/10+15, तो कितना आ जाए आपका, 10 और 15 का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10×15/ आपका हो जाएगा 15×10=25। अब कैंसिल करते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा 5×25, 5×3=15। अब इसको 5 से फिर काटे, 5×5=10, 3 और 2 बचा है, तो 3 और 2 को हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना है आपका 6। तो कितना मिलकर कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर इसको 6 दिन में समाप्त कर रहा है। उसी प्रकार एक और तरीका है, तो देखिए ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30, 10×30, 15×30 यहाँ पर आ गया, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 5, जो 5 इसको यहाँ से रखेंगे तो 5×6=30। तो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ऐसी कॉन्सेप्ट आप सभी को एक और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट जरूर देख के जाना, ऐसे ही आपके एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन यह कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, समझो आपकी लाइफ बन जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ एक और क्वेश्चन देखेंगे, जो चलिए देखते हैं। मान लीजिएगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसको तीन तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिएगा ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, तो दोनों मिलकर उसको कितना दिन में करेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो देखिए समझिएगा, तो दोनों का आपका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 40,
बीस दूना चालीस, चालीस से कम चालीस, दो और एक को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका तीन है, तीन को इसे भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, तीन से इसको भाग करेंगे तो यहाँ से काट देते तीन एक कम तीन, यहाँ कितना बचा आपका चार, तो यह आपका जाएगा तीन किया नौ, तो तेरह किया उनचालीस, ये आपका तेरह सही तीन बटा एक, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। उसी प्रकार चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिएगा ए किसी काम को दस दिन में करता है, बी उसी काम को बीस दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए का तीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, समझिएगा। ए का एक बटा दस भाग, बी का दो बटा ए सॉरी बी का एक बटा बीस भाग, दोनों का हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका ट्वेंटी, दस का अगर दो बार बार के दस दूना बीस, दो एक का तो यानी कि तीन बटा बीस इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको हम और तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तीन छक्का अठारह, तो छः सही दो बटा तीन इसका आंसर निकल कर आएगा। उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, दस और बीस का हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका बीस, यहाँ से दो बार में बीस एक कम बीस, दोनों को जोड़ देंगे इतना आ जाएगा, तीन को यहाँ से करेंगे तो आपका आ जाएगा बीस बटा तीन को हम क्या लिख सकते हैं, तीन छक्का अठारह, छः सही दो बटा तीन, ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। उसी प्रकार इसको एक और तरीका है आपका ए क्रॉस बी बटा ए प्लस बी, इसमें हम मार रखेंगे, चलिए हम मार रखते हैं। ए का मान है आपका 10, बी का मान है 20, दोनों को हम जोड़ देंगे 10 प्लस 20 बराबर ये आ जाएगा आपका 30 बटा 10 गुना 20, यहाँ से एक जीरो कैंसल हो गया, यहाँ से 10 का दो बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 बटा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2 बटा 3, ये तीनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसको और किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में हम बना सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें तीन तरीकों से मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला मान लीजिएगा राम एक काम को 10 दिन में करता है, मान लीजिएगा जो राम है एक काम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। उसी प्रकार श्याम एक काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। रहीम उस काम को 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर आपस में कितना दिन में काम करेगा, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका राम का एक काम कितना हो जाएगा 1/10, उसी प्रकार श्याम का एक काम कितना हो जाएगा 1/12, उसी प्रकार रहीम का काम हो जाएगा 1/15। तो चलिए इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इन अगर सभी का हम एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका आ जाएगा यहाँ पर ले लेते हैं चलिए 60, ठीक है। अब इन सभी का हम एलसीएम लिए 60, 10 इसको भाग करेंगे कितना बार में जाएगा 6 बार में, उसी पर 12 को 60 से भाग करेंगे 12 × 5 = 60, उसी पर 15 को 60 से भाग करेंगे तो 4 बार में, तो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा 6 × 4 = 10 + 5 = 15, यानी कि 15/60, 15 × 4 = 60, यानी कि राम श्याम और रहीम तीनों मिलकर उसको 4 दिन में समाप्त करेगा। चलिए इसको एक और ट्रिक से देखते हैं, जो भी आपको सरल लगता है उस कॉन्सेप्ट से आप लोग बनाइएगा। चलिए तो देखते हैं, ए राम का काम है आपका 10, श्याम का है 12, उसी प्रकार रहीम का है 15, तो तीनों मिलकर पूछा गया है, तो तीनों का एलसीएम हम 60 ले लेते हैं, 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, सभी को जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 15, ये 15 को हम यहाँ से भाग कर देते हैं तो 15 × 4 = 60, यानी कि इसी में भी आपका ट्रिक्स में जा रहा है। उसी प्रकार एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा यानी कि लेंदी हो जाएगा, तो दोनों में से आप एक सॉल्व कीजिएगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, मान लीजिएगा ए प्लस बी इस काम को 10 दिन में करता है,
ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में करता है। उसी प्रकार बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछता है, अकेला पूछ रहा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन समझ रहे हो ना, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में करता है, और बी अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जब ये अकेला काम करेगा, कौन? बी। जब बी है अपना अकेला काम करेगा, तो इसमें आ जाएगा ए क्रॉस बी बाई ए माइनस बी। ये तरीका से हम इसको बना सकते हैं, या फिर पहले वाला बताया था आपको 1/A - 1/B, यानी कि इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक और तरीका है ए और बी वाला, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? ए बी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का काम कितना है? 10। उसी प्रकार ए का काम कितना है हमारा? 10 × 20/20 - 10। यहाँ पर इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 20 में 10 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 × 20/10। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका? 20 दिन। यानी कि बी अकेला उसको 20 दिन में काम करेगा, दोनों मिलकर अगर समाप्त करे तो। ठीक है, चलिए इसमें हम बना के देखते हैं। तो आ जाएगा आपका 1/10 - 1/20। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से आ जाएगा 10 से 2, और ये माइनस बराबर 1/20। इसको क्या लिख सकते हैं? 20 दिन लिख सकते हैं। अब इस तरीके से हम बनाएंगे तो आपका आ जाएगा 10, ये आपका 20, दोनों का एलसीएम आपका 20। यहाँ से आ जाएगा 10 × 10, यह आ जाएगा 10 × 20, ये आपका 1। इसको हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, यानी कि 20 दिन। यानी कि ये दोनों मिलकर उनको 20 दिन में कार्य करेगा। अगर अकेला वाला पूछा जाएगा तो माइनस वाला लेंगे, पहले पूछा गया तो माइनस वाला लेंगे, अगर बाद में पूछा गया तो हम प्लस वाला लेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया तो पुरुष और महिला वाले सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं पुरुष और महिला वाले सवाल जिसमें एग्जाम में पूछता है। तो मान लीजिएगा चार पुरुष व 5 महिला उसको 25 दिन में करता है। मान लीजिएगा 4 पुरुष व 5 महिला दोनों मिलकर उसको 25 दिन में करता है, तो 20 पुरुष है ना, 20 पुरुष 25 महिला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए 4 पुरुष 5 महिला उसको 25 दिन में करता है, तो 20 पुरुष 25 महिला उसको कितने दिन में करेगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इनमें कितना का गुणा है? 4 × 5 = 20, यानी कि 5 का गुणा है। उसी प्रकार 5 30 का करेंगे तो 5 का गुणा है, तो इसको क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे तो इसका निकल आएगा आंसर। तो चलिए इसको देखिए, 5 से काटेंगे कितना बचाएगा? 5 बार में जाएगा, तो इसका आंसर 5 दिन। यानी कि 20 पुरुष और 25 महिला दोनों को मिलकर 5 दिन में काम खत्म करेंगे। चलिए एक और आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। 2 पुरुष 3 महिला, 2 पुरुष 3 महिला उस काम को कितने दिन में करता है? 2 पुरुष 3 महिला उस काम को आपका 20 दिन में खत्म करता है। कितने दिन में खत्म कर रहा है? 20 दिन में खत्म करता है। तब 8 पुरुष व 12 महिला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो चलिए देखिए, 2 पुरुष व 3 महिला उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है,
उसी प्रकार प्रश्न में पूछा गया है कि 8 पुरुष व 12 महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए इसमें कितने का गुणा है, 4 का गुणा है, उसी प्रकार इसमें कितने का गुणा है, 4 का गुणा है, तो डायरेक्ट हम 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 × 5 = 20, यानी कि 8 पुरुष 12 महिला दोनों मिलकर उसको 5 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ये आपका 4 दिन आएगा ना, सॉरी एक मिनट, हाँ 5 है ना, 5 × 25 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका लंबा लंबा क्वेश्चन लेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ।